हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी आज वीडियो का इंट्रो बहुत लेट हो रहा है गाइज। कितना बज रहा है? घड़ी वहाँ से वहाँ टांगा था तो वहाँ कैलेंडर टांग दिया, जगह नहीं थी, नया कैलेंडर आया था। और इधर अभी घड़ी में घड़ी फिर वहीं अपनी जगह पे आ गई जहाँ पे पहले थी। यहाँ पे शुरू से ही टंगी हुई थी मेरी सिस्टर। जब मैंने ये कमरा मतलब जहाँ पहले रहती थी वहाँ से जब यहाँ शिफ्ट हुई थी तो मेरी छोटी वाली सिस्टर थी तो उसने सारा सामान अच्छे से अरेंज करके मतलब इधर से उधर जहाँ जो सामान रखना था उसने रखा था। सो कहाँ पे थी मैं अभी? हाँ, मैं भी अच्छी हूँ, होप करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और अभी दोपहर में बहुत लेट से वीडियो शुरू हो रहा है आज। एक बार सब लोगों का टिफिन सबका बनाया, मनोज तिवारी का टिफिन बनाया, ये पूरा पैक किया। और ये इधर झोला वोला सब पूरा अपना झोला जो जिसमें ले जाते थे कंपनी में छोड़ आए हैं, तो ये नैन्सी का टिफिन पैक किया। सुबह से उठ के मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रही थी, नैन्सी स्कूल नहीं गई, उनका यूनिफॉर्म सूखा नहीं था, कल धो दिया तो पूरे दिन, कल बारिश हुई तो सूखा नहीं। और एक जने गए जाके फिर वापस आ गए, धूप कहीं गए, कुछ मशीन का सामान बन रहा था तो वापस आ गए। तो इसकी वजह से मतलब मेरा ड्यूटी मेरी पूरी हुई लेकिन अपना अपना डब्बा लेके सब गए वापस आ गए। तो सब रखा हुआ है, अभी दाल चावल बनाए हैं अभी दोपहर के खाने में। कल बहुत सारी चीज़ें बन गई थी, छोले भी बना, आलू की सब्जी और भी चीज़ें बनी, तो आज सिर्फ दाल चावल बनाया गाइस। और वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, अच्छा लगे तो लाइक, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय। गए थे सब, वापस आ गए ड्यूटी से, बड़े बड़े राजा लोग काम वाम करके। इतने आजकल के ज़माने में छोटे छोटे बच्चे भी डैमेज पैंट नहीं पहनते हैं, जो डैमेज होती है पैंटें, छोटे बच्चे भी डैमेज पैंट नहीं पहनते हैं आज के फैशन का। देखो रूटी हमने के लिए मिल गया। अपने आप को घर का मालिक समझते हुए ये अपने आप को बहुत बड़े घर के मालिक समझते हैं, हम लोग के साथ जाती करते हैं बहुत ज्यादा। और अभी दाल में तड़का लगने जा रहा है और बोलते हैं कि आग लगा दूंगा, बोलते हैं एक चमनी नहीं दूंगा। दिखाती रहो इधर, हम बड़बड़ा जा रहे हैं, बोलते हैं एक चमन्नी नहीं दूंगा किसी को। तो आज आराम से जुटे हुए हैं, एक बार रोटी वोटी लेके गए, खाना बन रहा है लेकिन फूले हुए हैं। मेरी जो ड्यूटी है वो लगी पड़ी है। एक बार सवेरे वाली ड्यूटी किया, अब दोपहर वाली कर रही हूँ। पेट किसी का भरे ना भरे आई डोंट केयर, मुझे मतलब नहीं है, मैं अपना काम कर रही हूँ। जिसको तेवर दिखाना हो तेवर दिखाओ, जिसको गुस्सा दिखाना हो गुस्सा दिखाओ, जिसको वीडियो देखना हो वीडियो देखो, जिसको लाइक करना हो लाइक करो, जिसको सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओ गाइज, अभी 5 बज रहे हैं और ये नैन्सी ने कुछ बनाया है। क्या बनाया है नैन्सी? पास्ता, आटे का। नैन्सी ने आटे का पास्ता बनाया है, चम्मच से थोड़ा दिखाओ इसको घुमा फिरा के। ये आटे का पास्ता बनाई है, आटा गूंद के रखा हुआ था मैंने। रोटी आज दोपहर में नहीं बनाया था, दाल चावल बनाया था। ये चाय बना के लाई हैं, चाय भी बना चुकी हैं, अपना फाइबर वाली गिलास में चाय पी रही हैं। ये मैं लेके आई थी जब मेरे बड़े पापा थे तो ढेर सारी हॉस्पिटल के लिए लेके आई थी, तो रखी हुई थी वहाँ, ज़रूरत नहीं थी इसकी तो घर उठा लाई थी। तो ये देखिए नैन्सी का पास्ता देख लीजिए, आटे का। आप लोग भी नैन्सी वीडियो बना लेती तो एक रेसिपी चली जाती, आप लोग भी इस तरीके से बनाइए, देखिए कैसा है। नैन्सी खा के भी बता रही हैं अब ये कैसे बनाई है, कैसे इसका शेप दी हैं, ये सब हमें पता ही नहीं। बोलने लगा भारे गोलू भारे गोलू भारे गोलू, शेप वो कैसे दी हो, कुछ वीडियो बनाई होती बहन। नैन्सी इसको पहली बार खाते ही मन बोलने लगा भारे गोलू तू इतने बड़ा भूखड़ कैसे हो सकता है, तुझे देख के ही सब चीज पे लाला चाहती है तो उसको खाने लगता है। खाओ खाओ, नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? अच्छा नहीं समझे नहीं क्या? नैन्सी को जब भूख लगती है शाम टाइम तो ये अपने लिए कुछ न कुछ थोड़ा सा मतलब बनाई भी है, तो पूरा इतना बनाई भी है, ज्यादा नहीं बनाई है।
खराब ना हो जाता इसलिए पहली बार। ये कुछ ना कुछ अपने लिए थोड़ा सा स्नैक्स बना के और सबको थोड़ा थोड़ा चखा देती हैं। चलिए मैं भी ट्राई करती हूँ फिर बताती हूँ आप लोग को। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और फिर से मैं आई चाय के साथ। एक बार नैन्सी ने चाय बनाया था और मैंने इसमें गुड़ डाल दिया तो लग रहा फट गई क्या, थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है तो अभी चाय बन रही। नैन्सी ने बनाया था आज पास्ता आटे का, जो कि वीडियो नहीं शेयर किया, मुझे पता ही नहीं था कि नैन्सी कैसे बना रही हैं। मैं सो रही थी, अगर मैं जग रही होती तो मैं ज़रूर शेयर करती, दिखाती कि नैन्सी कैसे बना रही हैं, पर नैन्सी ने दिखाया नहीं, सो सैड। क्या ही बोले, अभी बज गए 7:45। आज वीडियो में कुछ बना नहीं ज़्यादा कुछ, क्योंकि कल मैंने इतनी सारी चीज़ें बना दी थी कि आज मैं पूरी डाउन हो गई हूँ। मेरे साथ ऐसे ही होता है, एक दिन मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती जाती हूँ। कल संडे था तो मैंने सोचा कि चलो भैया बना देते हैं, बारिश भी हो रही थी तो छोले भी गए थे दोपहर में बनाने के लिए, पूरी बनाने के लिए, तो सबका ऑर्डर आया कि इसको शाम को बनाना, वो करने के लिए। इधर भी कोई बड़े बड़े लोग दोपहर में ड्यूटी गए थे, पापा सब जीला है। बुजुर्गों के तरीके चश्मा वश्मा लगा के ऐसा लग रहा है जैसे 50-60 साल के बुजुर्ग हों। तो अभी सवेरे खाना उन्होंने बताया था, बना के दिया, फिर वापस, फिर अभी फिर दोपहर में 2:30 बजे फिर ड्यूटी का प्रस्थान हुआ। फिर अभी राजा धनिया मटर से तो बड़ी परेशान है। हरी सब्जी लानी चाहिए थी कुछ, हरी मटर नहीं बनाऊंगी, मेथी होती जा के लेके आओ। सो यही सब हो रहा है, देखती हूँ। दोपहर में तो दाल चावल बनाई थी, इस टाइम चल रही हूँ कुछ सब्जी रोटी वगैरह बनाऊंगी थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं बनाऊंगी, दाल वाल। सुबह से रात तक मेरे पास खाना ही रहता है, बस खाना। काम तो बहुत सारा रहता है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने रहते हैं, बिस्तर सही करना रहता है, बहुत सारा काम रहता है। ये जो बिस्तरों का भंडार लगा हुआ है सारा फोल्ड करके रखना पड़ता है, सब राजा लोग उठ के चले जाते हैं। और मेरे शोल्डर में इतना दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों, इसलिए कि शायद मोबाइल पकड़े पकड़े होता है दर्द, क्यों होता है पता नहीं। आज फिर मैंने येलो कलर का नील पेंट लगाया। सो इधर भी ब्लॉगिंग हो रही है वीडियो में। सो गाइज अभी चल रहे हैं, सब्जी वगैरह काटेंगे। ये शोल्डर इतना दर्द करता है कि मेरा वीडियो, मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बना रही हूँ तो अपना भी कॉपी कर रहे थे, देखो तो आप लोग देख लीजिए कॉपी कर रहे मतलब मैं बनाऊंगी तो खुद भी वीडियो बनाएंगे। कल से लड़ाई मनोज तिवारी मेरे से कर रहे हैं, बिल्कुल तो दिमाग आउट कर दिए हैं। मैं सोशल मीडिया पर ये सब बताने वाली हूँ कि मनोज तिवारी मुझे बहुत परेशान करते हैं, और क्या ही बोलूँ, और कुछ नहीं बोलूँगी। बनाया सबके लिए, लेकिन नाम मेरे अकेले के लिए थोड़ी बना था। सुबह से रात तक खाना बनाती रहती हूँ, सबका यही रोना रहता है। पेट ही नहीं भरता किसी का। कटहल बनाने लगी तो मैं कटहल नहीं खाऊंगा, मेरे लिए आलू, हाँ आलू की सब्जी बनाओ, मतलब एक टिप्पणी डालनी है चाहे कुछ भी डालो, रोना है कि मैं अलग से सब्जी दूसरी बनाओ, पागल हो जाऊंगी लग रहा है बिल्कुल से। सो ये कटहल बना रही हूँ रात के खाने में। कटहल मेरा बन चुका है, मैंने इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इधर जीरा आलू बना रही हूँ सूखा वाला, अभी चौकी हूँ, किसी को कटहल पसंद नहीं है। 9:30 बज रहे हैं, अभी आटा लगा के रखी हूँ, धनिया ढेर सारा रखा है, इसको धो के रखूँगी। तो अभी आलू की सब्जी बना रही हूँ सिंपल तरीके से, बिल्कुल जीरा आलू। ओ
व्हाट आर यू मेकिंग? आलू पोटैटो। गैस तेज कर दो, एक बार में सूख जाएगा। वो तो सुखाना पक जाए अच्छे से ना, फिर अभी ये सो जाएगा। और ये पकी नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। उस देखी नहीं थी उस दिन मटर वाली के लिए, पका था लेकिन तुरंत ड्रामा होने लगा। कितना बज रहा है? 10 बज गए पोटैटो। पोटैटो बनाते बनाते 10 बज गए, सिर्फ दो सब्जी बनाने में। पोटैटो की सब्जी ना इसे रहता है घर में कि मेरा क्या बोलूं आप लोगों से, रोज रोज कही है कि आपके खाने का बड़ा इशू रहता है। सही में बहुत इशू रहता है। एक सब्जी बनाया तो एक ने बोला मैं ये नहीं खाऊंगा, फिर ये बनाया, फिर अभी रोटी बना रही है, मुझे वीडियो एडिट करना है। और इसी के साथ गाइस वीडियो को एंड करूंगी। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे कल आप लोगों से एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।